छोड़ो भी। रिंग्स पहना दी। इसमें मासी लुकिंग हॉट एक्चुअली हमेशा से ही थी। शी वॉज मिस इंडिया इन 1982 एंड बेस्टेस हमें मामा की कमी नहीं महसूस होने दी। लुक एट माय कर्नल मासू, इन ही सो हैंडसम ना। ओह गॉड, ये मूछे 1970s के विलन की तरह लगते हैं। पता है मासू और मासी को पहली बार दिल्ली जिमखाना में मैंने ही मिलवाया था। सेम ब्रिज टेबल पर बिठाया, मासू गेम हार गए और मासी का दिल जीत लिया। आलिया मेरी बड़ी बहन, स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक ही बॉयफ्रेंड और उससे शादी भी कर ली। सो बोरिंग। यू नो व्हाट, आजकल सिर्फ खाने पर ध्यान। 6 months प्रेग्नेंट है ना। ऑल थैंक्स टू हर वन एंड ओनली बॉयफ्रेंड एंड नाउ माय जीजू करण बर्मन फ्रॉम मुंबई। अब आलिया कैसे पहनेगी 24 वेस्ट की जीन्स? एंड दैट्स माय पापा। इतने क्यूट है ना, उनकी छोटी सी खुशी बड़ी सी पार्टी हो जाती है। थोड़ा बटर, थोड़ा ड्रामा और थोड़ा टीयर्स मिक्स करो एंड पापा की कोई भी ना यस हो जाती है। सब कितने खुश है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये सब मैंने ही प्लान किया है। यू नो व्हाट, जो सोचा हो वो ठीक से हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, हम दोनों नर्सरी से साथ में हैं। मैं उसका लंच खाती थी और वो मेरा होमवर्क करती थी और मैं उसका। पिंकी को लड़के तो पसंद है पर प्यार नो चांस। व्हाटएवर, वी आर फ्रेंड्स फॉरएवर। जब दिल से हुई थी दोस्ती, हमने भी दिल ने भी था ये वादा कर लिया। जो भी हो, हमको तो डरना ही नहीं है अब कभी। I've decided. मुझे वेदर गर्ल बनना है। मौसम की जानकारी दो, फ्री फन की सैलरी लो। इट्स सो कूल। ओके, यहाँ पे कोई क्यूट बंदे नहीं है क्या? नो वे। रणधीर गंभीर कितना पूछल है, टोटल पंजू। अरे कभी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। उसकी फैमिली एवर सुप्रीम स्वीट्स की मालिक है, पूरे इंडिया के मिठाई किंग्स, और ये उनका लाडला प्रिंस। आजकल ये शादियों का बिजनेस बड़ा पेनफुल हो गया है, सीजनल है ना। असली सैटिस्फैक्शन तब मिलता है व्हेन यू गेट टू पीपल टुगेदर। आई मीन दो परफेक्ट लोगों को परफेक्टली मैच करना। आई'd लाइक टू मेक अ टोस्ट, हियर्स टू मासी and my new masu. Yeah. May you have all the happiness in the world. That's beautiful. I would like to make a toast. Sorry, sorry, sorry. Sorry. अरे ये कौन है? वही है ना? शिफाली। मासी ने कहा कि उसके आंटी और अंकल उसे यहाँ लेकर आए शादी करवाने। जो मुझे दिख रहा है वो आपको दिखा? Perfect together. Perfect. Ladies and gentlemen, I would like to make a toast. Shut up, Randhir. तुझे पता भी है toast होता क्या है? सब पता है, Pinky. So sweet. Ladies and gentlemen, Herong. To Aisha. Actually, Aisha ही है जिसने सब कुछ किया है। मासी और सर में मतलब थोड़ा सा मेरा मतलब है थोड़ी सी कुछ हो रहा था लेकिन आयशा ने आके सीधी सेटिंग कर दिया है।
मतलब अगर आज आयशा ना होती तो मासी वुड नेवर हैव मेट सर यार. आयशा तुम जो हो ना बहुत सी लड़की हो यार, तुम्हारा जो दिल है ना. चल रणधीर गई आयशा. हाँ बारिश हो रही है. अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, बचपन से पड़ोसी, कभी बेस्ट फ्रेंड तो कभी वर्स्ट दुश्मन. करण जीजू का छोटा भाई और हमारा न्यू फैमिली मेंबर. ही इज सो इरिटेटिंग. अर्जुन बर्मन, अपनी आंखें चेक करवा दो, भेंगे हो गए हो क्या? क्या करूँ, तुम्हें सीधा देखने के लिए आंखें टेढ़ी करनी पड़ती हैं. घर के अंदर आने के लिए एक एंट्रेंस डोर होता है कि नहीं? रियली तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई हो आयशा. Why you always dress like this? Designer suit, designer jute, bloody corporate slave. Hey, whatever it takes, yaar. Santram. Santram. Ji, sahab ji. Santram, kaun itna shor macha raha hai? Arey, kehu aur nahi sahab ji, to apan Arjun Baba hain. Oh, Arjun? Arey, tum kab aaye beta? Bas abhi aaya uncle. Aisha, bechare ko andar aane de. मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते बेटा. एग्जैक्टली. व्हाट? मेहमान कब से? लंदन से कोई रसगुल्ले लाता है? यू हैव नो प्रेजेंस ऑफ माइंड अर्जुन. आई वाज पासिंग बाय द शॉप, वहां रसगुल्ले मुझे दिख गए, तुम्हारी शक्ल याद आ गई, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया तो लेके आ गया. वेरी बैड वन. मासी की शादी 3 दिन पहले थी. What is the point of coming now? You only said I'm a corporate slave. You know, I have work, emergencies, meetings. Ab to aa gaya hu lekin. Aur ha, mere ek dost ki shaadi hai. Kuch arrangements karwane the. You know, tents, band baja wagera wagera wagera. Tumne koi shaadi ka business khola hua hai na? Event management. Are you making fun of me? No, I'm not making fun of you. Bas yahi kehna hai ki सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना अच्छा नहीं है. Give me one reason कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं. What? सिर्फ तुम्हारा पेट बड़ा है. Hey, it's a 16 pack, okay? Please take a breath, नहीं तो बेहोश हो जाओगे. जेलस हो गई आयशा टेंट वाली? नहीं हुई अर्जुन. Show yourself out. तुम्हें पता कि दरवाजा कहाँ है? इतना irritating, annoying और self-involved. अपने आप को अच्छा समझना अच्छा है, पर सबसे अच्छा समझना life के बारे में जानता क्या है? Wharton graduate हुए तो क्या हुआ? होगा अपने घर में investment banker कहीं का. जब चाची जी ने कल शाम आपका फोन पकड़ाया, मुझे तो शॉक ही लग गया था. तुम्हारे चाचा और मेरे मासू इतने अच्छे दोस्त हैं, ऑब्वियसली इनवाइट करना पड़ा. आयशा, वेयर आर यू? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर. पिंकी, शिफाली, शिफाली, पिंकी माय बेस्ट. हाय हाय हाय. वैसे सही ड्राइंग्स है ना? ड्राइंग्स? थैंक यू. पता है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ. इसी चक्कर में मैंने बहादुरगढ़ में होम डेकोरेशन का कोर्स किया. वाओ. पर यहाँ आना पड़ा. शादी टाइम फुल टेंशन, मतलब फुल टेंशन हो गई है मेरी चाची जी को. तुम यहाँ शादी करने आई हो? हार्ट अटैक पड़ जाएगा अगर लड़का नहीं मिला दिल्ली में तो, और वो भी हाई फाई. हाई फाई तो अब तक लड़का मिला नहीं. कहाँ,
लड़के वाले आते हैं, समोसे कचौरी खाते हैं और चले जाते हैं, और पता है जवाब भी नहीं देते मुझे। पर अच्छे लड़के हैं कहाँ, ऑल द गुड गाइस आर के और अर्जुन जी। पर डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगी। यू वांट टू मीट माय फ्रेंड, वो रणधीर है, दिल्ली की सारी माना उनकी बेटियों की शादी इससे करवाना चाहती। अच्छा रणधीर। आयशा इट्स जस्ट टू गुड यार, दिस इज टू गुड। थैंक यू। सोल्ड सोल्ड यार। हमारी दरियागंज में एक नई होटल आ रही है, मैं लॉबी में तेरी सारी ड्रॉइंग्स डाल दूंगा यार। व्हाट फिनिशिंग यार। रणधीर मीत शिफारी, ये भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। क्या था शादी पे सिर्फ वाइन गिराई थी आपने? ओहो हाँ हाँ, सो सॉरी यार, सॉरी। सारे बाल खराब हो गए थे उस दिन, लेकिन मैंने मतलब पोंछे भी थे। यार तुम चड्डा की वेडिंग से आ रही हो? यू नो चड्डा? आई नो चड्डा यार, आज उसकी शादी है। तुम्हारे कपड़े देख के मुझे पता था तुम चड्डा की वेडिंग से आ रही हो यार। तो तुम शादी से आई हो? गंभीर हाय। हाय कांग्रेचुलेशंस द आर्टिस्ट। थैंक यू। हाय अर्जुन। शिफाली, सो व्हाट डू यू थिंक? यू नो व्हाट, वेरी इंप्रेसिव। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करती गई एक दिन जरूर प्रोफेशनल बन जाओगी तुम। I hope you lose your polo match. We'll see. यार आयशा तुम आ रही हो ना? Of course मैं आ रही हूँ, और शिफाली भी आने वाली है। यार please come, you must come. Dress code western है, लेकिन कुछ भी पहन सकती हो। Summer dress, hat पहन सकती हो। Randhir, go get us some drinks. Sure. Thank you. वैसे ये polo match में कुछ special पहनना पड़ता है क्या? Don't worry, we'll go shopping. सही जगह पे आई है तुम। I'll see you later, yeah? Bye. Idiot. Aisha, why are you taking this panga? What panga? जबरदस्ती इंटरफेयर करना, टांग अड़ाना, क्यों बिना सोचे समझे मिस मैच की मैचिंग कर रही हो? हम इस कद्दू को कभी सिंड्रेला नहीं बना सकते। आयशा क्यों तुम्हें वही करना है जो किसी और को नहीं करना है? Let's do the Surya Namaskar now. तो इस योग अभ्यास ने परेशान किया हुआ है। मल्लिका शरावत बेब है कि नहीं? आई मीन वो भी तो हरियाणा से है। ग्रूमिंग नाम की भी कोई चीज होती है। मल्लिका शेरावत में कुछ तो है, इसमें क्या है? जस्ट इमेजिन हमने उसे विक्टोरिया सीक्रेट की थॉन्ग्स पहना के वेनिस बीच पे लेटा दिया तो क्या होगा? क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी। आयशा जी। पापा ये क्या है? क्रेडिट कार्ड का बिल है पापा। हाँ मुझे भी पता है ये क्रेडिट कार्ड का बिल है, पर ये इतना क्यों है? अगर पैसे खर्च करोगे तो बिल तो आएगा ही ना पापा। इतना 53,476.43 पैसे ओनली। Yes, पापा, नाइट क्लब है। शिफाली को दिल्ली की नाइट लाइफ दिखानी थी तो मैं उसे उधर लेकर गई थी। लेकिन मेरी नाइटों की नींद क्यों खराब कर रही हैं आप? और ये एंसेंबल क्या है? Ensemble, पापा, Ensemble. एक एक्सक्लूसिव बुटीक है। अगर जेस जैसी जगह जानी पड़ती है तो अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, और बेचारी शिफाली के पास अच्छे कपड़े है ही नहीं। मुझे पता है पापा, मुझे पैसों की वैल्यू समझनी चाहिए। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बहुत मेहनत की कमाई होती है, बहुत मुश्किल से आते हैं। मुझे सब मालूम है पापा, पर आखिरी बार शिफाली के लिए उसे आप अपनी बेटी ही समझ। नो नो नो, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए दो बेटियां ही बहुत हैं, और अगर तुम इसी तरह पैसे खर्च करती रही तो शादी के पहले पैसे नहीं बचेंगे। मुझे शादी नहीं करनी। क्या? I just have a living relationship. What? I need to call my papa.
कल ना मेरी जो चाची जी है ना, मेरी आंटी जी, जिनके साथ नहीं आई हूँ मैं, ओहो वो नहीं थी जो उस रात मेरे पार्टी में मेरे साथ बैठी थी ना? हाँ क्या हो गया उन्हें? नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैं तो ये कह रही थी कि कल ना उन्होंने मुझे खूब सारे बॉयज की फोटो दिखाए और कुछ एक तो बहुत स्वीट से भी थे पता है। अच्छा एक बात बताना, तुमने कभी खुशी कभी गम देखी है क्या? हाँ देखी है, क्यों? उसमें ना जो करीना कपूर ने लहंगा पहना हुआ है ना, जो ना रेड होता है ना मेरून, उसमें कोई मतलब बीच में से फटाक सा रंग है, वो ही वाला सेम टू सेम डिट्टो लहंगा पहनूंगी मैं अपनी शादी में। हाँ मेरी हेल्प करा दोगी ना उसे दिलाने में? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। Only for me though. Okay. Yeah, promise. Well, girls, I will get the figures to you by evening. Okay. Thanks. Bye. Yeah, no problem. Excuse me. Excused. But a serious case of bitchitis. Polo match ke passes. Huh? Polo match ke passes? Yeah. Haan, in my cabin. So, Shefali kaise lag rahi hai? Isn't she looking cute? I think, Aisha, Shefali ka naam badal lete hain. Kyun? सब कुछ तो बदल दिया उसका, जब पर्सनालिटी ही अपने जैसे कर दी है, नाम भी अपने जैसे होना चाहिए ना। लेट्स थिंक, आयशा, साईशा, वाईशा, माईशा, हाउ अबाउट दैट? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नो, यू आर मेकिंग फन ऑफ शिफाली। वो कैसे? वो ऐसे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ शिफाली एंड नाउ देयर इज जस्ट अनदर ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ यू। उसमें क्या गलत है? वन ऑफ यू इज इनफ पूरी दिल्ली को संभालने के लिए। Wow! Stop it! Get a job! What does that mean? तुम ये matchmaking में खुश रहती हो? हाँ, I believe in social work. किसी की life better करने से और कौन सा job अच्छा है? And anyway, I don't even take money for it. What do you know about girls anyway? No, just about women. जोधपुर पैंट बड़ी अजीब सी पहनी हुई है, फिटिंग ही सही नहीं है, पर इन्हें जोधपुर कहते हैं एंड ही इज लुकिंग वेरी नाइस। मैचेस में होता रहता है। इधर। हाँ। थैंक्स सो मच यार शिफाली, थैंक्स यार, रियली। ये आपने पहली बार खेला क्या ये हॉर्स वाली हॉकी? नहीं, पोलो। रियली? पिंकी मत कर यार, बंद कर साउंडट्रैक। तुम एनिमल्स को टॉर्चर करना बंद करो वरना आई कॉल पीटा। कम मीट माय फ्रेंड्स। थैंक्स, लेट्स गो टू द बार। या लेट्स। एवरीवन मीट माय फ्रेंड एंड कॉलीग फ्रॉम न्यूयॉर्क आरती। आरती दिस इज एवरीवन। वेल हेलो एवरीवन। हाय। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? लिटिल इंजर्ड यार।
न्यूयॉर्क में रिसेशन चल रहा है ना, बहुत लोग इसी वजह से न्यूयॉर्क को छोड़ के आ रहे हैं। आप भी इसी वजह से न्यूयॉर्क को छोड़ के आए, अंकिता, राइट? अंकिता? अंकिता नहीं, आरती। और कोई लोग इसलिए छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मिस करते हैं। एक्सक्यूज मी, अंजी। ओके। एक्चुअली शिफाली मेरा हो गया यार। हो गया? हाँ यार। थैंक्स यार। हाँ, थैंक्स थैंक्स। टेक केयर रणवीर। थैंक्स आयशा। हो गया। आयशा, कहीं हम दोनों सिंगल तो नहीं मर जाएंगे? प्लीज थैंक्स। नो, मैं भी तो सिंगल हूँ ना। लास्ट। तुमने कहा ही नहीं कि हम रेस लगा रहे थे। कितना रोती हो जब हारती हो। कम ऑन अर्जुन। व्हाट? वो न्यूयॉर्क रिटर्न, अनीता? अनीता नहीं, आरती। या व्हाटएवर। चल रहा है। What? I can't believe this. Aisha, are you mad? This time I think you've totally lost it, huh? Chill, Pinky. करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तुम्हारा ये प्लान बहुत रिस्की है, Aisha. This is so gonna work, Pinky boss. You just see. Bye. Hello. Bye. नाम क्या है रेस्टोरेंट का? इधर ही कहीं होगा, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। इधर ही तो था। कितने दिन पहले था? 2 साल पहले, रणधीर। I'm gonna kill her. Who? Pinky, वो 2 हफ्ते पहले इधर आई थी। Oh God, shit यार, आयशा, तुम Pinky कोई भी बात कैसे मान सकती हो यार? You know her? Because she's my best friend. Behave yourself, रणधीर। Best friend, देखो। There's no network. तुम please अंदर जाके देख सकते हो। ठीक है। Thank you. लेकिन नाम क्या है restaurant का? रणधीर, अगर तुम अंदर जाओगे तो पता चलेगा ना? Okay, तुम गाड़ी में रहना आयशा, दरवाजा बंद कर लेना। Don't worry. Okay. Go now. Okay, okay. पता नहीं रणधीर इतना टाइम क्यों लगा रहा है। हाँ, टाइम तो लगा रहा है। शिफाली, तुम भी अंदर जाके देखो ना। मैं भी जाऊँ? हाँ हाँ, जाओ ना। पर जाओ ना शिफाली। मैं जाऊँ? हाँ हाँ। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। अरे भैया, गेस्ट हाउस में गेस्ट हाउस ही मिलता है। लेकिन पिछले हफ्ते तो था। सर जी, पिछले 4 साल की मैं गारंटी ले लेता हूँ, यहाँ पे नहीं था। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि पिछले 4 साल से इसी जगह पे ये सेम काम कर रहा हूँ मैं। Pinky बॉस, तेरा तो मैंने भरता नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी रणधीर गंभीर नहीं है यार। रिसेप्शन में शिफाली, प्लीज यार आयशा को बुलाओ यार, कम ऑन प्लीज। ठीक है, टू मच यार। भाई साहब, एक्सक्यूज मी। हाँ, आप रणधीर गंभीर हो? हाँ, क्यों? रेस्टोरेंट ये लीजिए, 504 आपकी बुकिंग है। ये बुकिंग है? आप रणधीर गंभीर हो ना? हाँ। ये देखिए, आपके नाम की बुकिंग है। मैं रूम क्यों बुक करूंगा यार? साहब, ये तो आप ही को पता होगा। तो मुझे क्या पता होगा यार? नहीं पता। अरे क्या नहीं पता यार? ठीक है भाई, तेरे 2500 रुपए दे दो फिर। अरे किस बात के? सर, आपके चक्कर में मैंने अपना कमरा किसी दूसरे को नहीं दिया। एक मिनट, पहले तो तमीज से बात करो, ठीक है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? कौन है भाई? एवर सुप्रीम स्वीट्स का मालिक हूँ। ओके, तो क्या करूँ? यहाँ का नहीं ब्रांच खोलोगे? चुपचाप 2500 रुपए दो। सौरभ, सौरभ
रणबीर 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 अच्छा तो है ही नहीं बाहर व्हाट पता नहीं कहां वो चले कहां यार पता नहीं यार मैंने सब जगह देख लिया कहीं क्या करें मेरे पास पैसे नहीं ओके अभी तो मैडम साथ में है कल आता हूं कमरा तो बुक था घंटे के लिए ले लेते आप मेरा टायर पंचर हो गया है कहाँ What do you mean कहाँ यहाँ डेफ कॉल में वो मासी के घर के पास जो पार्क है ना वहाँ मैं सीपी में हूँ मुझे यहाँ पहुँचने में कम से कम 45 मिनट लग जाएंगे सीपी तुम सीपी में क्या कर रहे हो What do you mean क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता प्लीज तुम अभी इधर आओ जल्दी ओके लुक वेयर सेफ नहीं है जस्ट लॉक द डोर्स ओके एंड स्टे इन द कार आई एम कमिंग लिसन अर्जुन मैं 45 मिनट्स के लिए इधर नहीं वेट करने वाली हूँ मैं मासी के घर पैदल जा रही हूँ आयशा Is there something wrong? Yeah, Aisha, I have to go. Do you mind? Okay, sure. थोड़ा जल्दी चलो ना शिवाली अरे शिवाली प्लीज यार प्लीज इतना धीरे तो कोई नहीं चल सकता यार मतलब तुमने समझ क्या रखा है मुझे हाँ मैंने मैंने इतनी लंबी हील्स पहने हुए हैं और उसके ऊपर से मुझे मच्छर काट रहे हैं और मतलब इतनी अंधेरी रात होगी रिलैक्स जो चिल्लाओ आयशा भी मुझे छोड़ के चली गई और मतलब मुझे मुझे घर जाना है मतलब तुमने समझ क्या मेरे कोई फीलिंग्स ही नहीं है ना इमोशंस ही नहीं है ना वही बात है ना ऐसी मतलब अच्छा ठीक है आराम से चलते हैं नहीं आना है तुम्हारे साथ मतलब मैं समझ रही हूं मैं सब कुछ समझ चलाओ मत प्लीज यार यहां डेंजरस जगह है I surrender. जो भी ले जाना है ले जाओ मासी आयशा ध्रुव ध्रुव सिंह कर्नल सिंह का ओनली बेटा बचपन में चश्मिश पड़ाकू किताबी कीड़ा और बोरिंग और अब हेलो हॉटी वाओ तुम अगले हफ्ते आने वाले थे ना अभी चला जाता हूँ अगले हफ्ते आता हूँ No, I didn't mean that. I just meant that, you know. मजा? No, I mean, kidding. Well, your Masi's asleep. Dad भी. But अच्छा है, हम लोग को बातचीत करने का मौका मिलेगा. Come in. Actually, Dhruv, I need your help. I can't believe कि तुम वही ध्रुव हो जो क्लास में रोता था जब वो सेकंड आता था कैसे बिलीव करा I don't know तो इतनी मेहनत के बाद कम से कम एक कप कॉफी तो पिलाओगी ना sure ये हमारी पहली डेट है क्या तुम चाहते हो कि ये हमारी पहली डेट हो क्या तुम चाहती हो कि मैं चाहूं कि ये हमारी पहली डेट हो आई डोंट नो क्या तुम चाहते हो कि मैं चाहूं कि तुम चाहो ये हमारी पहली डेट हो बिल्कुल ओके
ओहो, तुम जिंदा हो। Very funny, ha ha ha. Ow! Sorry. पता है कल मैं किससे मिली? किससे? ध्रुव से, मासी के घर पे। ध्रुव ने मुझे कॉफी पिलाई, ध्रुव ने आकर मेरा गाड़ी का टायर चेंज किया, अनलाइक अदर्स जो टाइम पे नहीं आते। फाइन, नेक्स्ट अपने ध्रुव को फोन करना जब तेरे को हेल्प चाहिए। मैं अपनी पार्टी छोड़ के आया था, जब तक मैं वहाँ आया तुम निकल चुकी थी। पार्टी? प्लीज, तुम 10 बजे स्नोर करते हो। हाय शिपाली, हम एनिमल राइट सेंटर जा रहे हैं। एनिमल राइट सेंटर? रात को क्या हुआ तुम्हारे और रणधीर के साथ? कुछ नहीं, रेस्टोरेंट भी नहीं मिला और तुम भी चली गई। हम तो पैदल 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 चलते रहे रात भर। रियली? हाउ रोमांटिक, आधी रात सितारों के साथ। बहुत मजा आया होगा ना? मजा तो आया, बस टांगे टूट गई। अरे सौरभ के बच्चे, दाल लाल कच्चे। शेफाली तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, वो बेचारे के ऊपर से बाइक चली गई ना, तो मैं उसे यहाँ जीवाश्रम ले आया। जीवाश्रम नहीं, ARC। हाँ वही। तू तो बड़ा सही दिल्ली वाला लग रहा है। तूने क्या मॉडलिंग शॉडलिंग शुरू कर दी है? शिफाली, सौरभ, मुझे ना जाना पड़ेगा। हाँ? ठीक है रा। ठीक है। कौन था वो? वो मेरे चाचा का दोस्त का बेटा है, सौरभ लांबा। क्या करता है वो? ना कुछ BPO सेक्टर में काम करता है। वो लोग जो हमें दोपहर में फोन करके पूछते कि हमें कोई क्रेडिट कार्ड या लोन चाहिए। कम या? हाँ, मिडिल क्लास। अच्छा, ये एनिमल राइट सेंटर क्या है? ARC। मुझे लगा कि मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहिए। प्लीज एनिमल्स को तो गिरा छोड़ दो। नो नथिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई लव एनिमल्स। बेचारे अपने राइट्स के लिए खुद खड़े नहीं हो सकते, तो मुझे लगा मुझे तो कुछ करना चाहिए। मे बी आई शुड बिकम वेजिटेरियन। अच्छा, रणधीर रिवर राफ्टिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है। Are you coming? I don't know, let's see. रणधीर इतना अच्छा लड़का है ना, बेचारी शिफाली उसके साथ इतनी अच्छी लगेगी, दोनों बेचारे एक साथ कितने खुश रहेंगे। सब बेचारे ना तुम्हारे लिए। What? मेरा मतलब बेचारे रणधीर और बेचारी शिफाली से पूछ तो लें कि दोनों बेचारे एक दूसरे को पसंद करते भी हैं कि नहीं। Of course पसंद करते हैं, मैं जानती हूँ। तुम सब जानती हो। What does that mean? तुम ना अपनी लायबिलिटी शिफाली पर डाल रही हो। Are you trying to say I'm manipulative? मैं सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। हेल्प उन्हें नहीं, तुम्हें चाहिए। अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ और मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं, but that does not mean that you constantly criticize me. कल उसने मुझे प्रपोज किया। किसने?
उस मामाज बॉय ने इतने जल्दी कब कैसे? वो कल रात को ना उसका फोन आया था और इमोशनल हो रहा था पता है। वो पिछले साल पिकनिक पे गए थे ना मनेसर, तो वो कह रहा था कि जब उसे मुझे ना। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सौरभ, वो मेरे चाचा का दोस्त का बेटा। वो कह रहा था कि मैं पहले हाँ या ना कह दूं, फिर वो आंटी अंकल से जाके बात करेगा। सौरभ, बताओ ना मैं क्या करूं? तुम्हारी लाइफ है, जो तुम्हें करना तुम करो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? कहाँ रणधीर और कहाँ सौरभ, घर चले। आयशा, एल मैगजीन ब्यूटी एडिटर, पिंकी बोस। और मौसम का हाल? बोरिंग, दैट चैप्टर इज क्लोज। शिपाली, पता है रणधीर तुम्हारे बारे में बातें करता रहता है। हाँ सच्ची, क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि शिफाली इतनी अच्छी लड़की है, she's so hot, she's so fashionable. Really? उसने क्या? Shit! Oh my god! शिफाली तुम ठीक हो ना? देखो खून वून तो क्या हो गया? खून वून कुछ नहीं है, पागल हो गई। ड्रामा क्वीन। कुछ बर्फ बर्फ मंगा लो ना प्लीज। संतराम, संतराम। आयशा, अब मैं बोटिंग कैसे जाऊंगी? डोंट वरी शिफाली, सब ठीक हो जाएगा। बोट लेने आएगी तुझे। रणधीर बंद करो, आई हेट दिस सॉन्ग। चुप करना यार। शट अप। हाँ वही वही, शट अप। पता है रणधीर, शिफाली ना उसके पापे बहुत बुरी तरह से मोच आ गया था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे तो गाड़ी भी नहीं चलानी आती। लड्डू बनाने आते हैं रणधीर, हम खो गए। पिछले एक घंटे से हम गोल गोल घूम रहे हैं, हम यहाँ मरने वाले हैं, सब तुम्हारी गलती है। तू गधा है। शट अप नौटंकी। तुझे पता है पिंकी तो गुलदस्ता लगती है, वो अपने कपड़े कहाँ से लाती है? मतलब सर्कस स्टैंड को काट कर अपने कपड़े बनाती है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है तू। भैया जी आपको पता है वो स्लो लॉकर काम का है? कमर कर रही है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। बस यार पिंकी बहुत हो गया। हां मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ। गाइस मुझे जगह पता चाहिए। डोंट ट्रैवल विद मी देन। गाइस आई नो द डायरेक्शंस। और आयशा तुम क्या कर रही हो यार? ऐसी जगह पे अजनबी लोगों से बात कर रही हो यार, इट्स डेंजरस। एक मिनट। हियर फॉर योर प्रोटेक्शन, पेपर स्प्रे। मेरा भाई लाया था सबके लिए, बहुत सही है, इट्स वेरी गुड। यार यहाँ पे कोई मुगले आजम हो रहा है? चलना यार। रणधीर तो ये गाड़ी में भी दे सकते थे ना। बुलशिट है, इडियट। मैं जा रहा हूँ। यू वांट टू सिट इन द कार, यू सिट, वरना मैं जा रहा हूँ। अब इस जंगल में कुछ मजा आएगा। अच्छा, दैट्स नॉट अ बॉय, दैट्स अर्जुन। गर्ल्स वेलकम। एंड रणधीर, हेलो। हाय 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 एवरीवन। हाय आशिमा, मैं भी खेल रहा हूं। इट्स आरती, सॉरी। यू नो व्हाट, आई विल सी यू लेटर। बाय बाय। तो तुम यहां कैसे? मॉल का रास्ता खुल गया क्या? You're looking nice, Shefali. Thank you. Ready for the rapids? Rapids? बस थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। डरो मत, बहुत इजी है, मैं दिखाता हूँ। फिक्र मत करो, हम है ना। रणधीर। अरे
अरे आयशा तुम्हारा पैड रह गया है। एक्चुअली रणधीर ये तुम्हारे लिए। अरे दैट्स मी। वाह ये शिफाली है ना। वाह आयशा थैंक्स यार। मोस्ट वेलकम। सी यू एट द कैंप। गेम सेट मैच। आयशा क्या सच में सौरभ सही लड़का नहीं है? शिफाली हाँ या ना बोलना सिर्फ तुम्हारी मर्जी है, पर तुम बताओ ना आयशा प्लीज। शिफाली तुम बहुत समझदार लड़की हो, इट्स योर डिसीजन। ठीक है मैं सौरभ को ना बोल दूंगी। सो जाए। ठीक है मैं उसे ना बोल दूंगी, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या शिफाली सौरभ को ना कहने वाली है? तुम कौन होती हो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? हाँ उसने मेरी ओपिनियन पूछी तो मैंने उसे मेरी ओपिनियन दे दी, दैट्स इट। या बट शी रूइनिंग हर लाइफ। उस बेचारी को मेरी हेल्प चाहिए थी तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। गॉड आयशा बेचारी बेचारी बेचारी, वो कोई बेचारी नहीं है, शी इज नो बेचारी, अंडरस्टैंड दैट। मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट नहीं हूं, जस्ट लीव मी अलोन। तो तुम्हें लगता है उसके लिए वो स्पाइनलेस रणधीर ठीक है? हाँ नाइस। तुम बड़े एक्सपर्ट हो ना, जो आदमी किसी न्यूयॉर्क रिटर्न के पीछे भागता रहता है तुम इतने सीधे और अखड़े कि तुम नीचे अपनी शूलेस टाई करने के लिए भी नहीं झुकते। झुकते तो तुम भी नहीं आयशा। और हाँ उस न्यूयॉर्क रिटर्न को बोल दो कि दूसरों की कॉन्वर्सेशन सुनना बैड मैनर्स होता है। मरी मैं और मैं बस यही सोचती रही कि भगवान जी मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो प्लीज भगवान जी, मैं ना बिल्कुल बदल जाऊंगी, मैं ना बहुत अच्छी इंसान बन जाऊंगी, प्रॉमिस सच में, क्योंकि अब जाके मुझे लाइफ की वैल्यू पता चल गई है ना। हाय ऐसे एक्सपीरियंसेस से लाइफ बिल्कुल बदल जाती है ना। हाँ बिल्कुल। कितनी गहरी फिलॉसफी है। हाँ पानी से भी गहरी। पहन लो ठंड लग जाएगी। अर्जुन तुम्हारे जैसा बहादुर ना मैंने पूरे बहादुरगढ़ में नहीं देखा, तुम तो मेरे हीरो हो। गाइस चीयर्स। ओके या आई एम फाइन, यू श्योर? दिल्ली के डेयरडेविल्स यहाँ हंगामा मचा रहे हैं।
Hi, everybody. Hey. Hi, Aisha. Hi. How are you doing? Good. When did you get here? मेंटल के साथ यार। अरे रणधीर लेट इट गो यार। यार अबे छोड़ो यार, दिमाग खराब है उसका। तू आया तू, कोई नहीं खेल रहा। आरती वांट टू जॉइन अस? मी या श्योर। ब्रेक योर फेस। कम ऑन, मेक अ टीम बेटर लुकिंग। व्हाट द हेल, शी कांट प्ले। व्हाई नॉट? इट्स गर्ल्स वर्सेस बॉयज। एंड खेलने देना यार, उसका मैंने क्यों खराब कर दिया। क्या हो गया, डर लग गया? Let's just play. All right. All right. You okay? Mm-hmm. Perfect. Well, after such a nice night, I'm really happy I came up here to see you. But you don't have any smiles. This is me. I was thinking that, you know, Aisha. You get. What's up, dude? Hi. Aisha, 2 minutes, yaar. Mujhe kuch kehna hai. Sure. Okay. Okay. Good night. Good night. Hi. चले आशीष, माइंड योर हेड यार, यहाँ पे थोड़ा आराम से। अच्छी आयशा, काफी समय से सोच रहा था तुम्हें कुछ कहूँ, लेकिन रणधीर मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सच? सच। रणधीर ये क्या है? रणधीर क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ आयशा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे प्यार में। आयशा आई लव यू। हाँ नहीं, तुम सिर्फ शिफाली से प्यार करते हो। शिफाली से? नहीं नहीं आयशा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ यार, सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, तुझे कभी फील नहीं हुआ? फील? क्या हो गया तुम्हें रणधीर? तुमने तुमने मुझसे वो स्केच भी लिया था ना? मैंने वो स्केच दिया था आयशा क्योंकि तुमने वो स्केच बनाया था मेरा। फाइनली तुमने मेरे लिए कुछ बनाया। और शिफाली, मुझे शिफाली क्यों मिलती है यार? कितनी भैंजी है। व्हाट डू यू मीन भैंजी? वो तुमसे स्टाइलिश है। Don't be an idiot, Randeep. Aisha, 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 please. Aisha, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें। Aisha, आज इन तारों के नीचे, इन वादियों के बीच, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। Aisha, let's just do it, yeah. Randeep, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली हूँ। God, Aisha, my eyes. सॉरी, हीरो को लगी तो नहीं?
नहीं यार तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, रणधीर सिर्फ एक्सपेंसेस के बारे में पूछ रहा था, उसने और कुछ नहीं पूछा। क्या कहेगा बेचारा, बहुत थक गया था। He just went off to sleep. Good night. मैं सोच रही थी मुझे बचाने के लिए पानी में क्यों नहीं कूदा। अंदर जो भी है बाहर निकलो। अरे तुम्हें लूसीज हुए तो बाहर आके करो ना, मुझे बात सुनो। मैं हूँ यार। रणधीर, तब तो 40 मिनट लगेंगे। क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन है? फाइन, मत बोलो। पिंकी, इसने ना बोल दिया यार। किसने? शिफाली ने। शिफाली? शिफाली कहाँ से आती है यार? शिफाली आयशा है। आई लव आयशा। सॉरी। चल चल, होता है होता है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा पिंकी, ठीक है? मुझे कोई पसंद ही नहीं करता यार, मैं सारी उम्र सिंगल रह जाऊंगा। दैट्स इट। जॉइन द क्लब। मैंने तेरा रूम ही चेक किया, पर फिर मुझे बताना था ना। थैंक्स शिफाली। हाँ, तुम हमारे साथ आ रही हो? नहीं, ये बैग दोनों तुम्हारे हैं ना? लेकिन हाँ, वो मेरा बैग है। बस चलो, ये भी रखना अंदर। मैं ध्रुव के साथ जा रही हूँ। पर ऑलरेडी इस गाड़ी में दो लोग हैं। आयशा कम बैक, आई सी यू इन दिल्ली पेंट। रोहन तो दूसरी गाड़ी में आ जा। यू आर कमिंग विद मी? यस। ओ या। एक सेकेंड। तो पिंकी बस तुम और मैं। किस्मत में लिखा है। ये तुम्हें भी आरडी बर्मन पसंद है? मुझे भी। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। कान बिलीव रणधीर ने मुझे ऋषिकेश में प्रपोज किया, बेचारी शिफाली। ओह गॉड मासी, मैं इतनी बड़ी इडियट हूँ, अब क्या होगा? मैंने पहले कैसे नहीं देखा।
पर मुझे तो हमेशा से लगता था। Really? कभी कभी कई चीजें सामने होती है पर दिखती नहीं। It's okay, बेटा। Don't worry. Whatever, मासी। पर मैंने डिसाइड कर लिया, मैं मैच मेकिंग कभी नहीं करने वाली हूँ। अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम तो सिर्फ किसी का भला करना चाहती थी ना। आई नो मासी, पर अर्जुन भी मुझसे लड़ रहा है। तो इसमें नया क्या है? अब मैं शिफाली को क्या बताऊंगी? उसे सब कुछ सच सच बता दो, बस थोड़ा सा प्यार से कहना, ओके? शिफाली, रणधीर बिल्कुल इडियट है। शिफाली, मुझसे गलती हो गई। इनफैक्ट काफी बड़ी। रणधीर की फेवरेट है ना, अमरीका वान। हाय, हेलो। ये तो रणधीर का फेवरेट कलर है। बेचारी जूलिया, रोमियो पहले पेज में ही भाग गया। हाय अर्जुन। हाय। हाय शिफाली, पिंकी। अंकल कहाँ हैं? पीछे बगीचे में। Can I have some popcorn? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इग्नोर? कौन कर रहा है इग्नोर? तुम कर रहे हो, बच्चे हो क्या? एक्चुअली मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। ये मत समझो कि मैं तुम्हें सॉरी बोलने आई हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं समझ रहा कि तुम मुझे सॉरी बोलने आई हो। अगर बोलने आई हूँ तो बोल सकती हो। सॉरी आयशा, मैं चाहूंगी ना तो भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। मेरे सर पे जो नाचती रहती है। मैं क्या करूं अगर तुम्हारा सर वहां है जहां मैं नाचती हूं? बहुत खूबसूरत। कलर क्या है? ग्रीन। मेरा रेड। मेरा ग्रीन तुम्हारे रेड से बेटर है। अच्छा। आयशा, मुझे सौरभ मिला था जिसके बारे में मैं बात करती रहती हूँ ना, सौरभ लांबा। सौरभ फिर से? वो मतलब मैं सड़क क्रॉस कर रही थी और फिर अचानक से बस आ गई। चाची जी मुझे बस। चप्पल बच गई। आयशा मैं क्या बताऊं? भगवान कसम, मैंने तो सोचा था कि उस दिन मेरी चप्पल तो गई। फिर मैंने कहा, थैंक यू सौरभ, बड़ी फेवरेट चप्पल है मेरी, पता है? अच्छा? जनपद से खरीदी थी। अच्छा? हाँ, थैंक यू। नहीं, बड़ी सही चप्पल है। जेंट्स में मिले तो मेरे लिए भी ले। हाँ।
मैं फुटबॉल खेलता हूँ यहाँ सुबह रोज। अच्छा आयशा, क्या वो सच में सही लड़का नहीं है? वो रोमांटिक भी है। देखो शिफाली, जस्ट बिकॉज एक स्टूपिड लड़के ने तुम्हारी कदर नहीं की, इसका ये मतलब तो नहीं तुम पहले लड़के के साथ चले जाओ। तुम्हें एक अच्छा लड़का मिलेगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कोई स्वीट और लवेबल लड़का है। जस्ट हैव टू बी पेशेंट। सच्ची? 100%। अगर वो पोस्टर बनाएगा तो उसपे क्या लिखा होगा? आओ खाओ एंजॉय करो। Hey, कल रात चड्डे की फार्म हाउस पे पार्टी है, चलें? Of course, dancing is always fun. हाँ, मुझे भी डांस करना ना बड़ा पसंद आता है। पर कल तो हमारा गर्ल्स नाइट आउट का प्लान था ना? अच्छा सुनो आयशा, हम अर्जुन को भी बुलाएं क्या? हाँ? फिर उस आरती को बुलाना पड़ेगा। पर आयशा, guys? So what, पिंकी? अगर हम सब जाएंगे तो और मजा आएगा। मजा तो आएगा। What's wrong with you? मुँह से निकालो। Are you a dog? सॉरी, मैं तो नहीं कल आ सकती हूँ, बहुत काम है, लोगों से मिलना है, इंटरव्यूज, यू नो। तुम्हें एल में जॉब मिल गया? लुक, आई एम गोना गो नाउ। इसको क्या हो गया? अजीब सी है ना, मुझे तो हमेशा से अजीब ही लगती थी, जेलस टाइप की। और कैसे अजीब से कपड़े पहनती है ना। अच्छा ये कहाँ डाले? इधर। गरम मोहितो। हाय। हाय। आई होप यू सीरियस अबाउट आयशा। तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर आयशा है तो मुझसे मतलब है। Just don't play with the feelings, okay? Come on, Arjun. हम दोनों से शेयर भी तो कर सकते हैं। सबसे समझदार तुम बने फिरते हो ना? क्या हो गया तुम्हें अर्जुन? Are you okay? Yes, ma'am. Thank you, मासी. Don't worry, बेटा. बस थोड़ी सी चोट है. I know, मासी. तुम्हें ध्रुव अच्छा लगता है? He's just a good friend. बस और कुछ नहीं। मासी, मासी आपको पता है मुझे लगा था जब मुझे कोई पसंद आएगा तो मेरी दुनिया बदल जाएगी, मैं बदल जाऊंगी। आयशा, प्यार कोई तूफान नहीं है जो आए और दुनिया बदल दे, वो तो जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों में होता है। अच्छा है ना? अरे बहुत अच्छा है। मैंने सीखा तो नहीं है पर सब कहते हैं कि मैं ना फर्स्ट क्लास मसाज देती हूँ। फर्स्ट क्लास और फर्स्ट गुड, वेरी नाइस। और जोर से कर। मैं
शिफाली और ध्रुव के साथ थी और शिफाली ध्रुव के सर पे आइस लगा रही थी और he was smiling so much. He was looking so cute. पापा नो जली वहां से ध्रुव आ नहीं सका उसको. हाय बेटा अर्जुन आ गया. हाय बेटा लवली. वेलकम बैक. हाय बेटा. चित्रा मासी. हेलो आयशा बेबी जी. लेट अगेन. या सॉरी आयशा ने पहली बार मुझे बुलाया लंच पे और मेरे लिए वेट भी नहीं किया. अरे तुम घर के बच्चे हो, कोई मेहमान थोड़ी हो. तुम आरती को नहीं लेकर आए? तुमने बोला नहीं इसको लेके आने के लिए. एनीवे शी इज बिजी. बहुत काम होगा ना बेचारी का. ए संतराम जी जरा सफेद मक्खन लाओ अर्जुन बाबा के लिए. अभी ले बाबा. जल्दी करो अंकल. आयशा बेबी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब किसी और को इम्पोर्टेंस मिले तो. What do you mean? अरे उसको खाना तो खाने दे बेटा. अर्जुन तुम आरती को घर क्यों नहीं लाते? Why not tomorrow night for Diwali dinner? हाँ बहुत बढ़िया पार्टी है, सब मिलेंगे उसे एक साथ ही. We'll all get to meet her. हाँ very good idea. सगरी रे न तुम्हा संग जागे सजन वहा मुरी न माने सतावे सजन वहा मुरी न माने सतावे सजन वा सगरी रे न तुम्हा संग जागे सजन वा. अच्छा गाते हैं ना? प्लीज ऐसे लगता है किसी केजी के बच्चे को मम्मी पापा शो ऑफ कर रहे हैं. बेबी अंकल को पोएम सुनाओ. बेबी कजरारे पे डांस करके दिखाओ. बेबी अंधे कुएं में जाके डूब जाओ. हमेशा हंसने खेलने वाली आयशा को क्या हो गया है? हाँ मैंने तुम्हारे ये सेट कभी नहीं देखा. अब तक तुमने देखा ही क्या है अर्जुन? किसी ड्राइवर को बोल दो ना मुझे घर छोड़ दे. मैं छोड़ देता हूँ. No, no, it's okay. I'll drop you. It's Delhi Aarti. Okay? Thank you. Bye. अरे ये लोग कहाँ गए? दिल्ली में कोई कर्फ्यू है क्या कि वो अकेली नहीं जा सकती? पिंकी क्यों नहीं आई? I don't know, Masi. Pinks, पहले कभी बताया नहीं, but I really, really love you. Me too. Come in. Look what you made me do. What? Oh, sorry. What do you want? मुझे वो pink nail polish लगवानी है. क्या? बात करने आए हो और क्या? क्यों? आरती की CD बेचने से तुम्हें time मिल गया? वो ही तो कहने आया हूँ. तुम भी ये खरीद लो. Why not? I believe in charity. मैं charity के लिए 200 रुपए दान दे सकती हूँ. ये सो स्मार्ट आयशा. सुना कि ध्रुव मुंबई जा रहा है, अब क्या करोगी? क्या मतलब? स्क्वॉश किसके साथ खेलोगी? तुम कुछ बोलने आए थे ना? हाँ बात करनी है तुमसे. क्या? रणधीर की एंगेजमेंट हो गई है. रियली? किस बिचारी के साथ? तुमने मुझसे छुपाया क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है. तुम्हारे पास और भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं. शिफाली ध्रुव कितने लोग हैं? मुझे इंटरेस्ट नहीं है. मैं किस में इंटरेस्ट हूँ पिंकी? इसमें कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे सच छुपाया है.
कि वो ऐसे आदमी से शादी करने जा रही है जिसका वो हर वक्त इंसल्ट करती रहती है उसमें. No, you just stay. I'm fine. I'm just going to the toilet. देखा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी. तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ही सही हो? अपनी दोस्त के लिए खुश होने की जगह तुम जजमेंटल हो रही हो. मैं जजमेंटल हो रही हूँ? फिर यही तो चाहती थी ना तुम. फर्क सिर्फ इतना है कि हरियाणवी बहन जी की जगह जीके टू की सर्किस्टेंट उससे शादी कर रही है. Pinky, what nonsense are you talking? Little Miss Perfect, आयशा, जो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए अपनी अगली दोस्तों के साथ घूमती फिरती है. मेरी बातें लगती है ना? एटलीस्ट मैं अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों की लाइफ कंट्रोल नहीं करती हूं. Now please, leave us alone. क्राइंग यार, क्या हो गया? अरे इंसल्ट तो मेरी हुई थी, तू क्यों रो रही है? अरे तू करती थी, अब वो कर रही है. हाँ, कम ऑन कम ऑन. वो अब रणधीर की शादी हो रही है ना, उसकी कुछ यादें, उसका कुछ सामान मेरे पास है आयशा, पर मुझे उसे भूलना ही है, सब कुछ खत्म करना है. ओके, रणधीर और तुम्हारी कौन सी यादें? नहीं प्लीज, तुम मेरे पास ही रहना. हाँ, कैसे भी. ये क्या है? ये छतरी पोलो ग्राउंड में उसके ड्रिंक में था. बड़ा मुश्किल है आयशा ये सब भूलना. पता है ये रिवर राफ्टिंग कैंप का है. कोने पे बैठ के कुछ कुछ कर रहा था तो मैंने बड़ा संभाल के रख लिया. देखो कितना सुंदर है ना, देखो. और ये सीडी, ऋषिकेश जा रहे थे ना तब, मैंने उसके गाड़ी में से ले लिया था. शिफाली, calm down. कल ध्रुव मुंबई जा रहा है और हम भी जाएंगे. मतलब तुमने मुझे मुंबई जाने का प्लान कुछ बताया ही नहीं मुझे. सौरभ, हाय शिफाली. पापा. हाँ बेटा. अच्छा, ये सौरभ है, हमारे अकाउंटेंट का बेटा. हाय पापा, शिफाली और मैं मुंबई जा रहे हैं. मुंबई? मुझे आलिया के साथ रहना है लीपर के टाइम. लीपा? आलिया? पापा अभी नहीं. ओ, ये लड़की ना बहुत आती है. ए, बैठो. हाँ सर. ध्रुव काफी अच्छा लड़का है ना? काफी. और काफी हैंडसम भी.
काफी। कोई भी लड़की ना उसके साथ बहुत खुश रहेगी। कोई भी। Good morning, Sleeping Beauty. शाबाश, आज दोपहर से पहले उठ गए। अर्जुन, तुम यहाँ? क्यों दिल्ली में हमारे बगैर बोर हो गए? आशा पहले हेलो तो बोलो, फिर पूछो हाउ आर यू डूइंग, मैं बोलूँगा आई एम फाइन। ऐसे शुरू करते हैं। हेलो अर्जुन, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, हाउ आर यू? परफेक्टली फाइन। सो अर्जुन, दिल्ली में हमारे बिना बोर हो गए? ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी चाचा बनने वाला हूँ। आई वुडंट मिस दिस फॉर द वर्ल्ड। एक्सक्यूज़ मी गाइस। शिफाली, बॉम्बे कैसे लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है और आपकी फ्लैट तो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। हाँ आलिया दी, ध्रुव हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, वी हैविंग अ लॉट ऑफ फन। यू नो, हम ध्रुव के साथ आज लंच के लिए जा रहे ताज में और उसके बाद डिनर एंड ड्रिंक्स एट तत्सुमा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग शिफाली, लेट्स गो। पर ब्रेकफास्ट तो खत्म करने दो। Yes. Are you okay? मुझे टॉयलेट जाना है। ओके। हाय गाइस। हाय। यू ओके शिफाली? टॉयलेट। I think I'll just be back, yeah? Better? You okay? Aisha, एक बात बताओ। बताओ। मुझे प्यार हो गया है। मुझे पता है। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। मुझ पे सब छोड़ दो ना। शिवली, मैं कैसी लग रही हूँ? परफेक्ट। मैं गाड़ी तक पहुंचा देता हूँ। ठीक है, मैं एक मिनट में आती हूँ। ध्रुव, I liked you, but you didn't show any interest in me. That's okay. Life moves on. I hope you find what you're looking for. And I'm sorry. शिफाली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शिफाली, ध्रुव बिल्कुल बास्टर्ड है। क्या? पहले ना उसने मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की और मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो सीधा उस आरती के पास चला गया। हम इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। शिफाली, आई एम सो सॉरी, पहले रणधीर और अब ध्रुव। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती है। मुझे कैसे लगा कि तुम और ध्रुव खुश रहोगे? हैं? मैं और ध्रुव? मुझे तो लगा कि तुम और ध्रुव खुश रहोगे। हाँ?
आयशा, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। किससे? उससे जो सबसे अच्छा है, जिसके साथ मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम डांस किया, जो मेरा ध्यान रखता है और जिसकी यहाँ ना टिम्पल पड़ता है मेरी तरह। उसने तो मुझे डूबने से भी बचाया था, मेरा हीरो अर्जुन। पर शेफाली, तुम और अर्जुन बहुत डिफरेंट हो, वो तो तुम्हारी टाइप का ही नहीं है। तुम दोनों इतने अलग है, तुम उसकी टाइप की नहीं हो। शेफाली, मुझे ब्रश करना है। अलग मतलब आयशा, अलग मतलब? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अच्छे कपड़े नहीं पहनती, इसीलिए? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजी नहीं बोलती, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है ना, मैं मिडिल क्लास हूं, गवार हूं, है ना? तुम क्या कह रही हो, तुम गलत समझ रही हो। नहीं नहीं, मैं सब कुछ समझ रही हूँ आयशा, तुमने मुझे कभी भी अपना दोस्त समझा ही नहीं। What are you talking about, शिफाले? मैं तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट हूँ, बेचारी के बाल कटवा दो, बेचारी को कपड़े दे दो, उसे मुंबई घुमा लाओ। शिफाली, रणधीर अच्छा है। नहीं नहीं शिफाली, रणधीर अच्छा नहीं है। शिफाली, ध्रुव अच्छा है। नहीं शिफाली, ध्रुव अच्छा नहीं है। बस आयशा, बस। तुमने मुझे कभी भी अपना बराबर समझा ही नहीं, है ना आयशा? और एक बात, अर्जुन भी मुझसे प्यार करता है। अच्छा? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो पूछ लो अर्जुन से। आयशा, 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 गेट रेडी, वी गोइंग टू द हॉस्पिटल। Congratulations, it's a baby girl. Really? मुझे हॉस्पिटल जाना है, but don't worry, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। हाँ। अनुष्का की। अनुष्का या समीरा? तुमने तो समीरा कहा था। Anna's cooler than Sam, ना? Hi guys. Hi. Hello. And here comes Arjun Chachu. Hold. Hey Arjun, हंस दे यार। अब तक तो Anna ने तुझपे सुसु भी नहीं किया है। मुंह क्यों लटका रखा है? May I? Please. Oh. Oh. So cute. Welcome to the Pagal Khana. शिफाली को दिल्ली? मैंने नहीं भेजा। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। एक नया टाइम पास मिला था तुम्हें, शॉपिंग, डैडी के पैसे खर्चने के अलावा एक नया खेल। तुम शिफाली के साइड क्यों ले रहे हो? क्योंकि आरती किसी और के साथ चली गई इसलिए? तुम अपनी ही दुनिया में रहती हो ना। शिफाली मेरी दोस्त है, she's my friend. दोस्त बनकर इस्तेमाल करती हो तुम, understand? That's not very nice. I was just trying to help her. How? उसे अपनी तरह शैलो बना के? शैलो?
तुम्हें लगता है कि मैं शैलो हूं? तुम में इतना पोटेंशियल है आयशा, अपनी जिंदगी के साथ क्या क्या नहीं कर सकती तुम, लेकिन हर रोज एक नई शौक पाल लेती हो तुम। कभी सोशल सर्विस, कभी एनिमल राइट्स, कुछ सीरियसली लिया कभी जिंदगी में तुमने? तुम्हारी लाइफ बहुत डीप है ना, जैसे शिफाली मेरी प्रोजेक्ट है, मैं तुम्हारी। तुमने मेरे बारे में कभी अच्छा सोचा है? यू नो व्हाट, आई डोंट नो एनीमोर। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें समझता हूं, और अब ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा। नहीं अर्जुन, तुम सिर्फ शिफाली को समझते हो। तुम्हें जॉब मिल गया, अगले हफ्ते ज्वाइन करना। पिंकी, मैं मैं पहले कह सकती हूँ? पिंकी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आई रियली मिस यू, इवन आई वुड नेवर फॉरगिव मी। मैं बहुत सेल्फिश हूँ। यस, बहुत सेल्फ सेंटर्ड भी। यस, और थोड़ी सी एरोगेंट। थोड़ी सी? आई मिस यू टू आयशा। मैं बिल्कुल गलत थी, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके आयशा, मैं भी तो गलत थी, मुझे तुम्हें शुरू से ही बता देना चाहिए था। रणधीर इज अ रियली नाइस गाय। आयशा, मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की तो नहीं हूँ, सबसे स्मार्ट भी नहीं हूँ, उसकी नजर में मैं हूँ। तुम बहुत लकी हो, तुम नहीं जानती तुम कितनी लकी हो। आयशा, जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है, हम कोई फेरी टेल में नहीं, दिल्ली में रहते हैं। यहाँ रेनबोज नहीं, ट्रैफिक का धुआं है। रात को आसमान में एक भी तारा साफ साफ दिखे ना, उतना ही बहुत है। ओके, सॉरी टू। हाय सौरभ। हाय आयशा, सर को पेपर्स। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? बस ऐसे ही। यू वेरी नाइस।
थैंक्स सौरभ सर ला भैया पेपर जल्दी से लाओ चश्मा कहाँ है संतराम चश्मा ला भैया डैडी आयशा आई एम सो हैप्पी ध्रुव की शादी हो रही है ध्रुव और आरती इट्स सो सरप्राइजिंग लेकिन साथ में दोनों बहुत अच्छे लगते हैं है ना अब तुम्हारी बारी है नेक्स्ट मासी मुझे आपसे कुछ कहना है हाँ बोलो आप अर्जुन से मिले हाँ वो बस आने वाला है क्यों क्या हुआ मासी मुझे उसे दे दो बेटा हाँ आंटी हाय हाय आयशा चाय हाँ नो थैंक्स मुंबई कैसे रहा अच्छा रहा आयशा तुम शिफाली से मिली नहीं क्यों बस ऐसे ही माँ से मुझे जाना है कहाँ बस जाना है बेटा यू टेक केयर हम बात करेंगे व्हेनेवर यू वांट ओके ओके बाय जो बाय संतराम पापा आयशा तुम पापा हलवा मीठा खाने का मन कर रहा था मुझे भी give me some मुंबई जाना है कि नहीं नहीं जाना देखो अगर मन नहीं करता तो मत जाओ वहां पर इतना अच्छा गाजर का हलवा नहीं मिलेगा नहीं पापा वो बात नहीं है फिर क्या बात है रात के 12 बजे पापा के साथ गाजर का हलवा इज एवरीथिंग ऑल राइट विथ यू पापा आई थिंक आई एम इन लव यू थिंक यू आर पता नहीं आई डोंट नो आई रियली रियली डोंट नो यू रियली रियली डोंट नो 100% फ्लावर है अब ये बताओ कि ये है कौन बोलो कौन है ध्रुव है ना दैट ड्यूड फिर कौन है स्कूल फ्रेंड मुंबई में कोई मिला तो फिर कौन है नहीं रणधीर गंभीर नहीं हो सकता नो नो दैट्स इम्पॉसिबल तो फिर कौन है अर्जुन अर्जुन अपने घर का बच्चा वाओ वंडरफुल क्या करेक्ट चॉइस है वेरी गुड आई एम वेरी हैप्पी अच्छा ये बताओ कि ये अब हुआ कब अभी 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 तुमने उसे बताया कि नहीं नहीं तो लगा फोन अभी लगा फोन पर शिफाली शिफाली दैट बहादुरगढ़ गर्ल कम ऑन मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अर्जुन को भी बचपन से जानता हूँ अगर आयशा के लिए गंभीर नहीं है तो शिफाली भी अर्जुन के लिए नहीं हो सकती है डायल करो पर पापा वो ध्रुव और आरती के एंगेजमेंट में है तो तुम भी एंगेजमेंट में जाओ तुम भी जाओ देखो पुत्र अपनी दिल की बात बताना बहुत जरूरी होता है बताना पड़ता है बेटा आई नो पापा पर अगर उसने ना कह दिया तो तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर इंटेलिजेंट दिल की अच्छी सबका ख्याल रखने वाली ऊपर से पैसे कोई बेवकूफी होगा जो ना बोलेगा देखो पुत्र कपूर ज्यादा सोचते नहीं है वी बिलीव इन एक्शन गेट अप माय ब्रेव गर्ल एंड गो एंड टेल हिम यू लव हिम गो ओके या गेट अप ओके ओके गो 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 आर यू रेडी नाउ हियर वी गो प्लीज
अर्जुन. By the way, on the way, हमको जो मिली है जिंदगी गाती है, हंसती है, पगली सी है जरा, रूठे भी, माने भी, हर लम्हा नहीं है जिंदगी, मूडी है, जिद्दी है. जोड़ी के नाम अब अगला गाना गाएंगे. स्टेज पर आएंगे रॉकी फाटिया. भागना नहीं है. सॉरी थोड़ा अर्जेंट है. अर्जुन अर्जुन मैं जानती कि तुम यहां हो और तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है अपने लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए. तुम्हें याद है कसौली में जब मैंने क्रिकेट बॉल से होटल की खिड़की को तोड़ा था, तब तुमने कहा था कि गलती तुम्हारी है. जब मैंने पापा के गोल्फ कैप्स को भी तोड़ दिया था, तब भी तुमने कहा था कि गलती तुम्हारी है. जब मैं केमिस्ट्री में फेल हुई थी, तब तुमने कहा इट्स ऑल राइट, और तुमने मेरे एफ को ए बना दिया. और आलिया दीदी की शादी में जब मैंने सारे ड्रिंक्स में वोडका मिला दी थी, तब तुमने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया था. तुम मेरी हर गलती को छुपा लेते थे, और जब हम अकेले होते थे तो खूब डांटते थे, और मैं तुमसे झगड़ती थी. पर अर्जुन, हर गलती में, हर खेल में, हर मजाक में तुम मेरे साथ थे. अकेले मेरे साथ हो अर्जुन. तुमने मुझे जिंदगी का सही रास्ता दिखाया है, गलत और सही में फर्क दिखाया है, सहना सिखाया है, समझना सिखाया है, दोस्ती निभाना सिखाया है, और चाहना भी. अर्जुन, अगर मैं तुम्हें खो दूंगी ना, तो मैं खुद को खो दूंगी. प्लीज प्लीज मुझे अपने आप को खोने मत देना. ओए होए होए, इसे कहते हैं प्यार. अरे आपने तो इमोशनल कर दिया जी. वैसे अगर आपका प्यार दुनिया वालों को मालूम पड़ जाए ना, तो सब कुछ परफेक्ट हो जाए, सब कुछ हिट हो जाए जी. वैसे आज की शाम आपने बहुत अच्छा तोहफा दिया जी. इट्स वेरी गुड. वैसे आप है कौन? आयशा. माय सेल्फ बंटी कुमार, और ये मेरी पत्नी गुरप्रीत. वैसे आप इनकी तरफ से हैं या हमारी तरफ से? ये किसकी शादी है? ओ बुला अर्जुन को. ओ अत्थे अर्जुन. ओ अत्थे अत्थे आओ. आयशा, आयशा, तुमने जो कहा मैंने सब सुना. मैंने तुम्हें गलत हॉल में जाते हुए देखा, तो मैं तुम्हारे पीछे आई तुम्हें बताने के लिए. I'm so sorry, शिफाली, for all that I've done. I hope कि तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे. आयशा, प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिल जाए तो उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहिए. Thank you.
तुम कल बॉम्बे जा रही हो, बताना चाहिए था ना, क्यों नहीं बताया? अब तुम नीचे आओगी या फिर मैं ऊपर आऊं? बेचारे पड़ोसी। क्यों? क्यों? क्योंकि सीढ़ी बारिश में पड़ी पड़ी गल गई है, मेरे बोझ से टूट गई तो सर के बल गिरूंगा। क्यों अर्जुन? क्योंकि मुझे कुछ कहना है। क्या? आयशा, तुमने मुझे हंसना सिखाया, रोना भी, सहना सिखाया, समझना भी, दोस्ती निभाना सिखाया और जाना भी। तुम्हें पता है नीचे नहीं आओगी ना? ठीक है, मैं ही ऊपर आता हूँ। पर शिफाली शिफाली गई अपने सौरभ के साथ। कैसे? तुम्हारे साथ रह रहकर थोड़ी बहुत मैच मेकिंग मैं भी सीख गया हूँ। पर तुम तो शिफाली को चाहते हो ना? मैं अपने पूरे दिल और दिमाग से किसी और को चाहता हूँ, वो तुम ही हो, सिर्फ तुम, और हमेशा से तुम ही थी। रियली? रियली मैं तुम्हें तब भी चाहता था जब नेहरू पार्क में तुमने अपने पापा के गोल्फ क्लब तोड़े थे, तब भी चाहता था जब अपनी उल्टी सीधी हरकतों से तुमने सबकी जिंदगी में गड़बड़ करी थी, तब भी जब आरती की जलन में तुम चिड़चिड़ी हो गई थी, और तब भी जब एक रिमोट कंट्रोल के लिए मेरे साथ सोफे पे लड़ाई की थी, तब भी जब उस रात पार्टी में हमने पूरी रात डांस किया था, और जब बॉम्बे में मैंने तुम्हें बारिश में कार में लिफ्ट दी थी, उस दिन, आज और हमेशा से मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। मैं तुम्हारी हर चीज चाहता हूं, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ये पिगी नाक तुम्हारे हाथ, गलती सब करते हैं हम, लड़ते हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि बाद में एक दूसरे को मना सके। तुम हो तो मैं हूं, अगर तुमको खो दिया तो मैं खुद को खो बैठूंगा।